नमस्कार। खाना हो गया सबका? आज का टॉपिक है, आज मैं इस साइट के जनरल रूल्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ। आप सबको मालूम है, पिछले मीटिंग में भी मैंने बोला था, साइट पे आते समय हेलमेट जैकेट जूता कंपलसरी लाने का है। लेकिन जो लोग मशीनरी चलाते हैं, जैसा ब्रेकर है, ग्राइंडर है, कटिंग मशीन है, गॉगल, मास्क, दस्ताना, ये चीज आपको लगती है ना जी। जो लोग ब्रेकर चलाते हैं, जो लोग कंक्रीट करते हैं, उसके लिए चश्मा लगता है नहीं लगता है? जो लोग ग्राइंडिंग करते हैं, मास्क लगता है नहीं लगता है? वो चीज में साथ में होना जरूरी है, बराबर है? तो वो चीज भी अपने को ध्यान में लेने का है। सबसे खतरनाक काम है ब्रेकर वाले का। आउटर में डक में जाके ब्रेकर चलाते हो, बालकनी में जाके ब्रेकर चलाते हो, दूसरी बात है गंडले में जाके ब्रेकर चलाते हो ना। तो उस समय में बहुत बार मैंने देखा है, आपने सेफ्टी बेल्ट पहना हुआ तो है लेकिन लटका है कहीं भी नहीं है। ये चीज सही है क्या? क्या हो जाएगा खतरा? क्या खतरा हो जाएगा? जाम चली जाएगी। कैसे? सेफ्टी बेल्ट नहीं फंसा तो चले जाएगी। यस, सेफ्टी बेल्ट नहीं फंसाया और गलती से पैर फिसल गया, कुछ हो गया, तो आदमी सीधा कहां आएगा? नीचे आएगा। और नीचे आएगा तो आदमी बचेगा क्या? कुछ ना कुछ तो होगा, हाथ टूटेगा, पैर टूटेगा, जान भी जा सकती है, कहां से गिरते उसके ऊपर डिपेंड है ना। तो मेरा कहना है कि सेफ्टी बेल्ट पहना है, उस लोकेशन पे गए हैं, फॉल अरेस्टर का रोप छोड़ा हुआ है, फॉल अरेस्टर लटका हुआ है, तो अपने को बेल्ट उसमें लटकाने के लिए दिक्कत क्या है? दिक्कत आती है क्या? नहीं ना। तो इतना सब कर रहे हो तो थोड़े बहुत और ज्यादा सुरक्षा के बारे में ध्यान दे दो। जहां ग्राइंडिंग कर रहे हो वहां चश्मा पहनो, मास्क पहनो। जहां कटिंग मशीन चला रहे हो, बहुत लोगों के मशीन पर गार्ड नहीं है, ये चीज बंद करो। अब यहां से देखो, दो दिन से सिक्योरिटी आपका गेट पास चेक कर रहे हैं ना। गेट पास होना जरूरी है। गेट पास किसको मिलता है? जिसका इंडक्शन हुआ है उसका ही गेट पास मिलता है। बहुत लोग ऐसे पाए गए हैं कि नए लोग आ गए, पुराने लोग हेलमेट जैकेट जूता पहना और साइट पे चले गए, लेकिन गेट पास नहीं है। इसका मतलब क्या है? उनका इंडक्शन नहीं हुआ है। तो उनका इंडक्शन करवा के लेने का है, क्योंकि जो भाई लोग काम पे आता है तो किसी का भाई होता है, किसी का बेटा होता है, किसी का पिताजी होता है, किसी का मामा का लड़का होता है, रिश्तेदारी में आते हैं ना आप लोग, तो पहले उनको बताने का है, आते समय तुम्हारा फोटो, आधार कार्ड का जेरोक्स, आधार कार्ड और मेडिकल करवा लो। ये चीज होने के बाद हम लोग इंडक्शन करेंगे और जिस दिन इंडक्शन करेंगे उसी दिन आपको आईडी कार्ड प्रदान करेंगे। तो क्या हो जाएगा, आप साइट के ऊपर जाते समय सिक्योरिटी चेक भी करेंगे, आप आईडी कार्ड दिखा सकते हैं, तो पता चलेगा कि आपका इंडक्शन हुआ है। उस इंडक्शन में आपको साइट के बारे में जानकारी दी जाएगी, काम कैसे करते हैं उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, और हमको भी पता चलेगा कि ये ठेकेदार के इतने आदमी आए और ये लोकेशन पे वो काम करने वाले। इसके लिए आईडी कार्ड करने के लिए इंडक्शन होना जरूरी है। इसके लिए जो भी आपके नए लोग आएंगे, पहले इंडक्शन करके ले लो, उसके बाद साइट पे उनको लेके जाओ, बिना बता के सीधा साइट पे लेके मत जाइए। दूसरी चीज है पोजीशन बिल्डिंग है। पोजीशन बिल्डिंग में आपको लगता है क्या ही कुछ भी खतरा नहीं है, इसलिए बहुत लोग बिना हेलमेट के, बिना जूते के जाते हैं, लेकिन बिल्डिंग में एसिड वॉश चल रहा है, स्कर्टिंग का काम चल रहा है, स्लिप ट्रिप फॉल हजार्ड हो सकता है, लॉबी में मटेरियल बिखरा हुआ रहता है, वहां से आप जाएंगे जूता नहीं रहेगा तो फर्श, टाइल्स या कांच के टुकड़े गिरे हुए वो पैर को लग सकते हैं, और चलते चलते फिसल गए और माथे पे गिर गए, हेलमेट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, सीधा माथे को चोट लगेगी। इसलिए अपन क्या बोलते हैं, सिर सलामत तो पगड़ी, मालूम है क्या? सिर सलामत तो पगड़ी 50, माथा रहेगा तो कितना भी पगड़ी बांध सकते हैं। वैसा सिर बचेगा तो अपनी जान बचेगी, हाथ को लगेगा तो ठीक हो जाएगा, पैर को लगेगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन सिर को लगेगा तो बचने के चांसेस कम रहते हैं। इसके लिए सिर को ढकने के लिए हेलमेट दिया है, इसके लिए इसको सही ढंग से पहनो। बहुत लोग सलमान खान, शाहरुख खान जैसे पहनते हैं, उल्टा सीधा, आड़ा टेढ़ा, जरूरी नहीं है। अरे आज जिसने सबने पहना है हेलमेट, पहन के चेन स्ट्रिप लगाना जरूरी है। चेन स्ट्रिप ज्यादा भी टाइट नहीं करने का, ज्यादा भी ढीला नहीं, एक उंगली घूमना चाहिए, हरदम लगा रहे हैं। यस, वेरी गुड। तो चलते समय में जब झुक जाओगे या गिरते समय जब झुक जाओगे, पट्टी नहीं लगा होगा तो पहले पट्टी हेलमेट गिर जाएगा, उसके बाद सिर क्या हो जाएगा, नंगा रह जाएगा, तो सिर को चोट ज्यादा लगेगी, बराबर है? दूसरी बात है, आते समय में
इतना ध्यान में रखने का है कि तंबाकू, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, गांजा अपने रूम पे छोड़ के आने का है, साइड पे वो अलाउ नहीं है। साइड पे इलेक्ट्रिकल का अंदर वर्क चालू है, बक्से ज्यादा हुए, टाइल्स के बक्से रखे हुए है। ऊपर मैंने परसों देखा एक आदमी बीड़ी पी रहा था और टाइल के बक्से बाजू में इतने बड़े बक्से रखे हुए थे, वो डर के मारे बीड़ी उसने उसके अंदर छुपा दिया। सेफ्टी वाला साहब आया करके, अरे क्या बिल्डिंग चलाने का है क्या? इसकी बीड़ी, काड़ी, माचिस साइड के ऊपर लेके जाने का नहीं है, उतना तो जानकारी है ना, जल जाएगा करके। इसलिए सिक्योरिटी आपको इसलिए चेक करता है कि आपको बिल्डिंग में अंदर लेके जाने की परमिशन है नहीं है, ठीक है। मशीनरी के ऊपर जितने भी नया मशीनरी आता है, समझो ग्राइंडिंग मशीन आया, कटिंग मशीन आया, ब्रेकर आया, ड्रिल मशीन आया, पहले मशीन और केबल हमारे इलेक्ट्रिशियन को दिखाने का है। हमारा इलेक्ट्रिशियन मशीन और केबल चेक करेगा, सब सही होगा तो सेफ्टी वाली टीम को दिखाने का है। सेफ्टी वाली टीम क्या करेगा, मशीन को गार्ड है, मशीन को अर्थिंग है, मशीन को थ्री क्वार्टर टाइप केबल है, टॉप है, ज्वाइंट में मेल फीमेल है, ये चेक करके ग्रीन कलर का, हरा कलर का टैग लगाएगा और उसके ऊपर डेट लिखेगा, इस डेट को इसका इंस्पेक्शन हुआ है, मशीन ओके, ये कॉन्ट्रैक्टर का मशीन है, और नीचे साइन करेंगे। तो आप साइड पे जब मशीन चलाएंगे तो हम देखेंगे हाँ ग्रीन टैग लगाए हुए, तो हमारी तरफ से मशीन सेफ है, चला सकते है। लेकिन एक कब पता होगा, जब आप मशीन लाओगे, चेकिंग करके लोगे, स्टिकर लगा के लेके जाओगे, उसके बाद पता चलेगा कि आपका मशीन सही और सुरक्षित है। और आपके पास भी क्या है, समझो आप आज ग्राइंडर चला रहे हो, कल आपने छुट्टी मारा तो दूसरा कोई तो आदमी ग्राइंडर चलाएगा ना, तो हरा कलर का टैग देख के बोलेगा हाँ ये मशीन सही है, तो गोडाउन में से उठा के लेके आएगा और चलाएगा। और जो मशीन गलत रहेगा उसके लिए हमारे पास रेड कलर का भी टैग है, जो मशीन गलत रहेगा, डैमेज रहेगा, जला हो रहेगा, तो उसके ऊपर हम रेड कलर का टैग लगा देंगे। स्टोर में जिसके मशीन के ऊपर रेड कलर का, लाल कलर का टैग होगा तो मशीन गलत है, कोई उसको हाथ नहीं लगाएगा, और हरा कलर का टैग रहेगा तो ये मशीन सही है, वही चलाने के लिए लेके आएगा, ये आपके लिए दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो स्टिकर नहीं रहेगा, टैग नहीं रहेगा, तो आप कौन सा भी मशीन उठा के लेके आएंगे, 22 पे माले पे जाने के बाद पता चलेगा मशीन तो बंद ही है। इसके लिए मशीन, केबल, टॉप सब दिखा के ले लो और उसका इंस्पेक्शन करके सेफ्टी वाले से स्टिकर चिपका के ले लो, ठीक है। जो भी मशीन चला रहे सबका मशीन दिखा के स्टिकर लगा के ले लो, अगले विजिट में मेरे को पता चलेगा इस मशीन के ऊपर स्टिकर नहीं है तो मशीन में जमा कर दूंगा, मेरे कब्जे में ले लूंगा, फिर दे दूंगा नहीं। इसलिए जितना भी मशीन है उसका सबका इंस्पेक्शन करके टैग चिपका के ले लीजिए, ठीक है। बाकी सब सही सलामत काम करिए, सही रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा पिए, अच्छा काम करिए, अच्छा पैसा कमाइए और अच्छा रह के ही घर पे जाइए, ठीक है। अभी तीन बार मैं सेफ्टी बोलूंगा, आपका आवाज क्या आना चाहिए, सेफ्टी कितना जोर से आना चाहिए, मैं तीन बार बोलूंगा सेफ्टी सेफ्टी सेफ्टी। धन्यवाद, जा सकते।